कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय आज अपन राष्ट्रीय आय की गणना पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि में सबसे पहले उत्पाद विधि पढ़ी अपन ने। उत्पाद विधि के अंतर्गत आपने देखा कि उत्पाद विधि में क्या क्या है। उत्पाद विधि में आपने उत्पादन विधि के बारे में पढ़ा, इसकी इसके क्या क्या मतलब ये कौन कौन सी इस पे गणना कैसे की जाती है, दोहरी गणना की समस्याओं से बचने के अपन ने उपाय पढ़े और उन उपाय में अपन ने कदम मतलब उसमें कौन कौन से कदम हैं जो आप उत्पादन के उद्यमों की पहचान का वर्गीकरण, तो उसके अंतर्गत आपने प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। फिर उत्पादन का मूल और मध्यवर्ती मूल और स्थायी पूंजी उपभोग कैसे, ये सब राष्ट्रीय आय के लिए क्या है, जरूरी है, तो ये उत्पादन के उत्पादन विधि में आपने पढ़े। फिर उत्पादन विधि या मूल्य विधि में संबंधित कुछ सावधानियां जो राष्ट्रीय आय के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय आय है उसके अर्थ राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती, प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय आय, तो अर्थशास्त्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य बाजार के जो बाजार मूल्य होते हैं उस युग के सकल घरेलू उत्पादन की क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो कोई वस्तु का आप अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनमें उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं जो उत्पादित है उनमें सेवाओं और बाजार मूल्य के योग से क्या प्राप्त होता है, घरेलू सकल उत्पाद की क्या की जाती है, गणना की जाती है। फिर है राष्ट्रीय आय कैसी है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित राष्ट्रीय आय को एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु राष्ट्रीय आय के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या होता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, तो मध्यवर्ती वस्तु होती है जो सेवाओं के लिए उपयोग होता है उनको, जो वस्तुएं होती है उनको राष्ट्रीय आय में क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य वृद्धि को क्या करते हैं, ज्ञात करने में क्या होता है, समय बाजार मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटाया जाता है, इस प्रकार शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त की जाती है। फिर है पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, उनको भी क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो ये आप क्या पढ़ रहे हो, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि में रखने वाली क्या है, ये सावधानियां पढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता इसके लिए लेन देन दलालों कमीशन एजेंटों को और कमीशन एवं लाभ प्राप्त होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। जैसे वस्तु किसी वस्तु का उत्पादन मतलब किसी वस्तु इसमें किसी वस्तु का उत्पादन क्या नहीं होता किंतु इसके लेन देनों से दलालों एवं कमीशन और जो एजेंटों से प्राप्त कमीशन एवं लाभ प्राप्त होता है उससे क्या प्राप्त होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या करते हैं, इसे जोड़ा जाता है। तो ये आपकी तीन सावधानियां हो गई। इसके बाद है कि अवैध कार्यों के लिए सकल घरेलू उत्पादन में इसको क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए तस्करी, नकली शराब बिक्री, राष्ट्रीय आय में सब चीजों को शामिल नहीं किया जाता, केवल वैध क्रियाओं से प्राप्त आय को क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। जो गलत तरीके से धारण के लिए तस्करी, जुआ, नकली शराब, बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता, केवल उन क्रिया जो वैध क्रियाएं होती है जिनसे प्राप्त आय होती है उनसे ही क्या किया जाता है, इनको ही राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो 100 उपभोग के लिए उत्पादन और बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।
उपभोग के लिए उत्पादन का बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फिर है उद्योग है सरकार और परिवार द्वारा अचल पूंजी स्वालय उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में जोड़े जाते हैं। मतलब जो उद्यम होते हैं उद्योग होते हैं और सरकार और परिवार की द्वारा जो अचल पूंजी है वह राष्ट्रीय आय में उनको जोड़ा जाता है। और आपके पास खुद का मकान है आरोपित की राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। मतलब खुद के खुद का मकान और आरोपित की राष्ट्रीय आय में उनको शामिल किया जाता है। स्वभोग सेवाओं मूल्य वृद्धि को शामिल नहीं होता। जो स्वभोग होता है सेवाएं होती हैं मतलब मूल्य वृद्धि को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर सरकारी क्षेत्रों में शुद्ध मूल्य वृद्धि और कर्मचारी की पारिश्रमिक के बराबर होती है। जो सरकारी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनसे जो शुद्ध मूल्य वृद्धि होती है से कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होते हैं। तो ये है उत्पाद विधि की सावधानी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन आय विधि। तो आय विधि आय गणना विधि राष्ट्रीय आय के मतलब मापने की दूसरी विधि है। तो आय का मतलब होता है वस्तुओं सेवाओं से उत्पादित इकाइयों से उत्पत्तित विभिन्न साधन जैसे भूमि श्रम पूंजी एवं साहस के सामूहिक प्रयत्नों से परिणाम होता है जो उत्पादन के क्षेत्रों में का योगदान बदलने में लगान मजदूरी वेतन ब्याज ये सब आपको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो उत्पादक की साधन से प्राप्त होने वाली आय साधन आय कहलाती है। तो आय विधि की दूसरी विधि आय गणना विधि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधि है ये दूसरी विधि है। और ये वस्तु एवं सेवाओं का जो वस्तुएं और सेवाओं होती हैं उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधन कोई वस्तु उत्पादन या उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन है जैसे भूमि हो गया भूमि श्रम पूंजी और साहस इनके सामूहिक प्रयत्नों से जो आय मतलब परिणाम प्राप्त होते हैं उत्पादक के इन साधनों को योगदान के बदले में क्या प्राप्त होता है लगान मजदूरी वेतन ब्याज उनमें पुरस्कार दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं साधन आय कहते हैं। जबकि उत्पादकों की दृष्टि से यह साधन भुगतान कहलाता है। एक देश की राष्ट्रीय आय को एक निश्चित अवधि के उत्पादन के लिए देश की राष्ट्रीय आय है आय की एक निश्चित अवधि के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा प्राप्त की गई कुल आय के योग के अथवा उत्पादन के जो साधन है अलग अलग जो साधन उत्पादन के उत्पादकों के द्वारा किए गए भुगतान के योग के रूप में उनको क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। इसी क्या कहते हैं साधन भुगतान योग भी कहा जाता है। जो उत्पादक है साधनों द्वारा जो प्राप्त होती है कुल आय के योग में जो कुल आय है उसके योग के रूप में उत्पादन के साधनों को उत्पादकों द्वारा किए गए भुगतान के रूप में क्या प्राप्त ज्ञात होती है आय प्राप्त होती है उसे साधन भुगतान योग कहा जाता है। फिर इसके बाद है कि आय विधि को राष्ट्रीय आय मापने के कदम। तो जो आय विधि है उनके राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तो पहले उत्पादक उद्यम का पहचान और उसका वर्गीकरण। तो जो उत्पादक होते हैं जो उद्यम होते हैं उसके क्षेत्र को आप अर्थव्यवस्था में उत्पादक उद्यम को पहचान करने के लिए उत्पादक के साधनों को क्या करना पड़ता है उनके क्या करते हैं यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उद्योगों में सामान्यता तीन क्षेत्रों निम्नलिखित किया जाता है। तो जो उत्पादक उद्यम आपको मैंने पहले ही बताया था उनके तीन क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र दूसरा होगा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो आपको उद्योगों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए आपको उत्पादन साधनों का प्रयोग करते हुए समानता उनकी भी क्या है तीन प्रमुख भिन्न मतलब भिन्नता है उनमें पहला है आपको उसमें है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके आएंगे प्राथमिक क्षेत्र
क्षेत्र के अंतर्गत छठवें क्षेत्र आते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसे क्या कहेंगे, आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपकी कृषि हो जाएगी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन लगाना, उत्खनन, ये सब क्या आ गए आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके आएंगे, इस क्षेत्र में आपको कच्चे माल द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या करना है, निर्माण, निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करना है। आपको कच्चे माल से वस्तु को क्या करना है, निर्मित करना है। वह क्या आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। उसमें आपका आ जाएगा सूती कपड़े में धागे को आपको सूती कपड़े में बदलना, गन्ने को चीनी में बदलना और लकड़ी को फर्नीचर में बदलना। तो ये साधन आय का क्या हो गया, उत्पादक उद्यम की पहचान और उसका वर्गीकरण। तो उनको तीन क्षेत्रों में मतलब विभाजित कर दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में आपको प्राकृतिक द्वारा और द्वितीयक क्षेत्र में आपको कच्चे माल द्वारा निर्मित जो संसाधन है मतलब परिवर्तन माल, कच्चे माल को क्या करना है आपको निर्मित माल में परिवर्तित करना है। तो उसमें आपका सूती धागे से आपके लिए वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर आदि, ये क्या हुए, विनिर्माण के क्षेत्र हो। फिर तीसरा है तृतीयक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपको सेवाओं का उत्पादन करना है और इसमें तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या करेंगे आप, इस क्षेत्र में आपको सेवाओं के उत्पादन करता है तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में आपको जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गए, संचार के साधन हो गए, व्यापार हो गए, ये सब आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आए। फिर है साधन आय का वर्गीकरण, दूसरा होता है साधन आय का वर्गीकरण। इसके लिए आप में साधन आय के वर्गीकरण में आपका हो गया मजदूरी, लगान, इसके अंतर्गत आपको ब्याज, लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्र में विवरण, मिश्रित आय और स्वरोजगार के लिए वस्तुएं और विदेश से प्राप्त आपकी आय प्रारूप आदि। तो सबसे पहले आप लेंगे मजदूरी और वेतन, साधन आय के अंतर्गत आपका मजदूरी और वेतन में कर्मचारियों को कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे आपको क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। मजदूरी, नगद मजदूरी के अतिरिक्त मजदूरी को दिए जाने वाला जो होता है ये निःशुल्क वस्तुओं के मतलब जो निःशुल्क सुविधाओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। इसमें मिल की तरफ से दिया गया निःशुल्क मकान, ये सब आपको जो मतलब आप कहीं कार्य कर रहे हैं और आपको जो सुविधाएं वहां से मिल रही हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहां से मकान की सुविधा, चिकित्सा का सुविधा, भोजन की सुविधा और बच्चों आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि सब क्या होता है कि मजदूरी और वेतन में आपको आपको वहां पर ग्रेजुटी भी मिलेगी। तो कर्मचारियों के परिश्रम के बदले में मजदूरी को या अफसरों को दिए जाने वाला वेतन इसमें शामिल किया जाता है। आय में, आय में आप इन सब चीजों को मजदूरी से सब प्रकार के भत्ते भी शामिल किए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, ये सब आपको। फिर है लगान, लगान काय में लगता है आपको, ये उत्पादन के साधनों में आय की साधन आय का वर्गीकरण है। पहला है मजदूरी और वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित आय, स्व उपभोग के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और ये मतलब साधन आय के ये नौ वर्गीकरण है। तो सबसे पहले है मजदूरी और वेतन, फिर उसके बाद है लगान। तो भूस्वामी अपनी भूमि पर जो कर देता है या उसके मकान मालिक द्वारा दिए गए भुगतान, उसे कमाई ना उससे कमाई हुई ना आय ना कमाई हुई आय कहते हैं, इसे कहते हैं भूमि और मकान का किराया लगान में शामिल किया जाएगा और ये स्वयं रह सकता है, क्योंकि इसमें यदि आप किसी भी भूमि या मकान में तो लगान तक कर टैक्स अपनी निजी संपत्तियों का देते हैं। ब्याज, ब्याज आपको काय से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं ब्याज, ब्याज आपको जो आप अधिभार, उसे ब्याज को आप अधिभार भी कहते हैं। तो
से अभिप्राय होता है जो, मतलब जो आपको ऋणी अपने ऋणदाताओं की उसकी पूंजी के उपयोग के बदले में जो आपको बैंक देता है, तो आपने अपना जमा किया बैंक में, जो जमा राशि है उस पर आपको जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा करने पर बॉन्ड्स, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि ये वित्तीय जो प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं। फिर लाभांश या अपहरण आ वितरित लाभ। लाभांश मतलब एक उत्पादन कार्य में, मतलब आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, उद्योग लगाने पर आपका उत्पादन कार्य इकाइयों में जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। इसके तीन प्रकार से लाभांश प्राप्त होता है। लाभ का एक भाग जो अंशधारियों को क्या किया जाता है, बांटा गया जाता है, उसे लाभांश कहते हैं। मतलब जो आपने उत्पादन किया जिससे आपको जो लाभांश, उससे आपको जो व्यापार में उत्पादन में जो आपको आय प्राप्त हुई उसको, मतलब जो लाभांश प्राप्त हुआ, तो लाभ का एक भाग उसके अंशधारियों में बांटा जाता है उसे लाभांश कहा जाता है। फिर लाभ का एक भाग सरकार के निगम, मतलब जो सरकार है उसके निगम लाभ के रूप में, कर के रूप में आप क्या करते हो, भुगतान किया जाता है, तो उसे निगम लाभ कहा, निगम लाभ कर भी कहा जाता है। फिर है लाभ का एक उत्पादक इकाइयों के, मतलब जो लाभ हुआ उसमें एक भाग उत्पादक की इकाई ने अपने पास सुरक्षित, मतलब सुरक्षित कोष में क्या किया, उसको रख लिया और जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर उसका क्या करा, उपयोग किया, उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त लाभ या लाभांश कहते हैं। तो आवितरित लाभ। फिर हो गया सार्वजनिक क्षेत्र में अतिरिक्त। सार्वजनिक मतलब पब्लिक के लिए, सभी के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में जो अतिरिक्त अभिप्राय है वो सरकार के द्वारा चलाए गए उद्योगों से प्राप्त लाभ, मतलब सरकार ने उद्योग चलाए, क्योंकि सार्वजनिक उद्योग मतलब जो उद्योगों से लाभ प्राप्त होता है उसे व्यक्ति एवं अंशधारियों में क्या किया जाता है, नहीं बांटा जाता, क्योंकि शेयर होल्डर होते नहीं होते उसमें, क्या होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते। वो सार्वजनिक होता है, वह कैसा होता है, उनको अंशधारियों को नहीं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों से जो लाभ प्राप्त होता है वह उद्योग में को क्या करने के लिए, सर्जित आय प्राप्त होती है, उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। फिर है मिश्रित आय, जो मिली जुली आय होती है, जो स्वतंत्र एवं उत्पादक कार्य करते हैं, जिससे स्वयं पूंजी लगाते हैं, जैसे श्रम भूमि की व्यवस्था करते हैं, व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, व्यवसाय को प्रत्यक्ष कर में कार्य करते हैं, और उसके लिए ऐसा लोग स्वयं रोजगार से क्या करते हैं, आय, जिसको स्वयं के रोजगार से आय प्राप्त होती है, उसमें भूमि का विवरण, पूंजी का ब्याज, प्रबंधक और वेतन की अलग अलग, जो क्या करते हैं करना, अलग अलग प्रबंधक का वेतन एवं लाभ अलग अलग करना कठिन होता है। इस प्रकार मिश्रित उसे क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं, जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल को भी किया जाता है। फिर है स्व उपभोग के लिए वस्तुएं। स्व उपभोग से यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुएं बाजार में बाजार के लिए नहीं आती, बल्कि उनका एक उत्पादन स्वयं के लिए उपभोग के लिए अपने पास रखते हैं, जिसमें कृषक द्वारा उत्पादित अनाज हो गया, मान लीजिए स्वयं के उपभोग के लिए क्या करते हैं, अगर आप कोई खेती कर उत्पादक करता है, कृषि उत्पादक करता है, तो वह एक बार अपने भी लिए उपभोग के लिए भी रखता है, उसे कहते हैं स्व उपभोग के लिए रखे गए मौद्रिक मूल्य में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाता है। फिर विदेश से प्राप्त आय, मतलब विदेश से प्राप्त विशुद्ध आय, जो अपन को विदेशों से विशुद्ध आय प्राप्त होती है, इसका अभिप्राय होता है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा संसार में दी गई सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय एवं शेष संसार से द्वारा देश के लोगों को सभी साधनों की सेवाओं से भुगतान में अंतर। एक देश में कैसे सामान्य निवासी मजदूरी और वेतन के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो आय प्राविशुद्ध आय करते हैं, और एक देश के समान विनियोग संपत्ति और उद्यमों से किराया, ब्याज, लाभांश के रूपों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशुद्ध आय कहते हैं। इसी प्रकार विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध विशुद्ध आय होती है उसको धनात्मक राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, और वित्तीय आदि गुणों को
बाद है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो जिस पर भार बोझ व्यक्ति पर पड़ता है उसका भुगतान, मतलब उसका भुगतान कौन करता है? व्यक्ति करता है। सरकार एक निश्चित आय पर उसे क्या करती है? छूट भी देती है। जो प्रत्यक्ष कर है उनके लिए सरकार एक, मतलब एक प्रकार से छूट भी देती है और शेष आय पर आप आयकर लगाती है। और आप मान लीजिए आप ऐसे इनकम टैक्स भरते हैं तो कुछ मतलब सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतनी आय पर आपको कर देना है। तो जो व्यक्तिगत आय मतलब जो प्रत्यक्ष से तात्पर्य उन करों से है जिनका भार बोझ व्यक्ति पर पड़ता है उसे वह उसका भुगतान करता है। तो सरकार एक निश्चित अवधि में क्या कराती है? तो शेष आय पर आयकर लगाती है और सरकार की आमदनी का साधन नहीं है। कर सरकार की आमदनी का साधन नहीं है किंतु उसे अर्जित नहीं कर। इसका मतलब जो करों के से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार उत्पादन के साधनों सेवाओं भुगतान में लगाती है। और उत्पादन इससे क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? अपना उत्पादन होता है आय का। जो उत्पादन होगा तो उससे क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। तो आय प्राप्त मतलब आय का सर्जन होगा और इससे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जो मतलब जो कर होते हैं टैक्स होते हैं सरकार की आमदनी का साधन नहीं है क्योंकि वह उन्हें अर्जित नहीं करती। उससे आय राष्ट्रीय मतलब उसको आय में अर्जित नहीं करती चूंकि उसे उन करों से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार कार्य में लगाती है, उत्पादन कार्य में लगाती है। तो उत्पादन के साधनों और सेवाओं को क्या करते हैं अपन? जो भुगतान में लगाते हैं जिससे उत्पादन होता है और आय सर्जन मतलब ये जो जो उत्पादन कार्य में लगाते हैं उससे आय का क्या होता है? आय सर्जन होती है और इससे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये आपने आय विधि के अंतर्गत साधन आय का वर्गीकरण देखा। तो आज आपने क्या पढ़ा? आय विधि राष्ट्रीय आय में आय विधि पढ़ी। धन्यवाद बच्चों।